ओके हाय एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस वन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम एचसी वर्मा, और फिर इस कंसेप्ट पे क्या क्या वेरिएशंस करके एग्जाम में पूछ सकता है, सो उसके बारे में कुछ जनरल बातें भी करेंगे। सो लेट्स सी। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स ऑफ मास स्मॉल एम इज फाउंड टू एक्सेलरेट अप एट अ रेट ऑफ जी बाई सिक्स व्हेन प्लेस्ड डीप इनसाइड वाटर। हाउ मच सैंड शुड बी पुट इनसाइड द बॉक्स शो दैट इट मे एक्सेलरेट डाउन एट अ रेट ऑफ जी बाई सिक्स। सो यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक का बॉक्स दे रखा है जो अंदर से खाली है, दैट इज एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉक्स विच इज केप्ट डीप इनसाइड द वाटर, राइट। जब भी आप किसी बॉडी को इनसाइड वाटर और किसी भी फ्लूड के अंदर रखते हो, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन विच इज नोन एज बयोन्सी फोर्स। बयोन्सी फोर्स का मैग्नीट्यूड की मैं अगर बात करूँ तो वो होता है दैट इज द वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी विच इज इमर्स्ड इनसाइड द फ्लूड। जैसे अगर आप इस बॉडी की बात करो, तो इस बॉडी ने या इस प्लास्टिक बॉक्स ने जितना भी वाटर का वेट रिमूव किया होगा, उतना ही बयोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा इस प्लास्टिक बॉडी पे। सो अगर हम मैं बात करूँ, इसका वॉल्यूम अगर वी होता, राइट, सो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज द मास ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दिस बॉडी इनटू जी। सो दिस इज बयोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ जो लगता है, ठीक है। सो फॉर द टाइम बींग, जब तक इस प्लास्टिक बॉक्स का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, यू कैन एज्यूम दिस बयोन्सी फोर्स विच इज एक्टिंग अपवर्ड टू बी कॉन्स्टेंट। ये कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी जो ऊपर की तरफ लग रहा है। ओके, और क्या एक्ट करेगा? एक तो इसका मास, मास किस सॉरी मास नहीं वेट, राइट। मास एम दिया है तो एम जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है विच इज जी बाई सिक्स। सो यू कैन राइट द एफ इज इक्वल टू एम ए, राइट। सो नेट फोर्स अपवर्ड, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड दे रखा है, देयरफॉर यू हैव टू राइट नेट फोर्स अपवर्ड विच इज बी माइनस एम जी, दैट विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू जी बाई सिक्स। फ्रॉम हेयर यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बयोन्सी फोर्स जो कि बॉक्स पे लग रहा है ऊपर की तरफ। चेक इट, हाउ मच इज दिस? एम जी बाई सिक्स प्लस एम जी। सो एम जी कॉमन निकाल लेते हैं, 1 + 1/6, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 7 mg/6। ओके फाइन, सो दिस इज द बयोन्सी फोर्स। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में वो आपको वॉल्यूम ऑफ द प्लास्टिक बॉक्स भी पूछ सकता था कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लास्टिक बॉक्स, कि इसके जो अंदर है उसमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई है। सो कैसे निकालते हैं? ये जो बयोन्सी फोर्स है, दिस इज नथिंग बट वी इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी। सो अगर आपको नहीं पता है कि बयोन्सी फोर्स कैसे निकालते हैं, है ना, दैट इज नथिंग बट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी विच इज इनसाइड द फ्लूड। ओके, यहाँ से आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हो प्लास्टिक बॉक्स का, बट अभी हमें वो नहीं निकालना है। लेट्स कम बैक टू अवर क्वेश्चन। हमें क्या निकालना है कि हमें इसके अंदर कितनी सैंड रखना पड़ेगा सो दैट इट स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विथ जी बाई सिक्स, ठीक है। देखो, अब हम मान लेते हैं कि हमने इसमें कुछ सैंड फिल कर दी जिसका जो मास है लेट्स से एम टू है। सो व्हाट विल बी द टोटल मास ऑफ दिस प्लास्टिक बॉक्स? एक तो एम खुद का मास हो गया, और जो भी आपने सैंड रखी है दैट इज एम टू, राइट। सो दिस इज द मास, टोटल मास ऑफ दिस ब्लॉक। अब इसका वेट कैसा लगेगा? नीचे की तरफ, विच इज एम प्लस एम टू इंटू जी, ये वेट लगेगा। ऊपर की तरफ बयोन्सी फोर्स जो लगेगा वो अभी भी सेम होगा, क्योंकि बयोन्सी फोर्स वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वॉल्यूम इसका चेंज नहीं हुआ है प्लास्टिक बॉक्स का, इसलिए ये जो बयोन्सी फोर्स है सेम लगेगा। सो अब मैं बात करता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि ये अब ये जी बाई सिक्स से नीचे की तरफ मूव करना चाहिए। मान लेते हैं हम ना जनरल सॉल्व करते हैं, लेट्स लेट्स सॉल्व दिस फॉर एनी जनरल ए, राइट। हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जी बाई सिक्स की जगह ए से, अगर ए हम एज्यूम करते हैं, लाइक हम फाइनल जो आंसर आएगा उसमें ए की वैल्यू जी बाई सिक्स पुट कर सकते हैं। लेट्स सॉल्व इट इन अ जनरलाइज्ड वे सो दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वी कैन जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए एंड गेट द आंसर, राइट। आई वॉन्ट टू डेराइव अ जनरल रिलेशन इन टर्म्स ऑफ ए। ओके, हमें एम निकालना है, एम टू। सो अब जो नेट फोर्स आप लिखोगे वो कहाँ लिखोगे? डाउनवर्ड, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड होगा, राइट। सो एम प्लस एम टू इंटू जी माइनस बी, दैट इज द नेट डाउनवर्ड फोर्स, दैट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ब्लॉक एम प्लस एम टू इंटू ए। यहाँ देखो, आपको बी का वैल्यू भी पता है, एवरीथिंग इज नोन एक्सेप्ट एम टू। एक्सेलरेशन आपको दिया होगा क्वेश्चन में कि कितने एक्सेलरेशन से उसे डाउनवर्ड मूव कराना है फाइनली ब्लॉक को। सो देखो, बी का वैल्यू तो आपने पहले ही निकाल रखा है, 7 mg/6, उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 7 mg/6 माइनस
और एम जी प्लस एम टू जी दैट शुड बी इक्वल टू एम ए प्लस एम टू ए। ये मैंने अंदर मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि एम टू वाला जो टर्म है उनको मैं एक साथ लेने वाला हूँ। सो एम टू वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेता हूँ, जी माइनस ए आ रहा है, और यहाँ पे देखो एम ए प्लस एम ए और एम जी माइनस सेवन एम जी बाई सिक्स कितना आ रहा है, माइनस सिक्स एम माइनस एम जी बाई सिक्स आ रहा है, राइट एम जी बाई सिक्स। तो इसे यहाँ पे ऐड हो जाएगा एम जी बाई सिक्स, सो एम कॉमन आ गया ए प्लस जी बाई सिक्स, राइट। सो एम टू का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज एम ए प्लस जी बाई सिक्स अपॉन जी माइनस ए, दैट इज द वैल्यू ऑफ एम टू। अब जैसे उसने क्वेश्चन में दे रखा था कि फाइंड आउट द मास दैट वी नीड टू ऐड है ना फॉर द वैल्यू ऑफ ए जी बाई सिक्स, उसने दे रखा था कि आप जी बाई सिक्स से मूव करेगा, तो आप ए की वैल्यू जी बाई सिक्स रख दो। सो चेक करो, ए का वैल्यू जी बाई सिक्स रखोगे तो न्यूमरेटर में जी बाई थ्री आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जी माइनस ए मतलब फाइव जी बाई सिक्स, राइट। ओके सो हाउ मच इज दिस, ऊपर गया जी तो कैंसिल हो जा रहा है, सिक्स ऊपर चला जाएगा, सो सिक्स फाइव इंटू थ्री इंटू एम, सो थ्री इंटू टू दैट इज कमिंग आउट टू बी टू एम बाई फाइव, राइट, और यू कैन से 0.4 m। इनफैक्ट आपने ये जनरल एक्सप्रेशन निकाल लिया है, अब वो कोई भी एक्सेलरेशन देता है देन यू कैन इजिली फाइंड आउट कि कितना मास हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर वो कहता है कि कितना मास ऐड करें सो दैट द ब्लॉक स्टार्टेड मूविंग एक्सेलरेट, सो दैट द ब्लॉक स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन लेट्स से जी बाय 10। सो आपको कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे जी बाय 10 पुट कर देना है। अगर वो कहता है कि कितना मास ऐड करें सो दैट द ब्लॉक फाइनल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक बिकम जीरो, मतलब पहले ब्लॉक ऊपर की तरफ जी बाई सिक्स से मूव कर रहा था, ये जो प्लास्टिक बॉक्स था ऊपर की तरफ जी बाई सिक्स से मूव कर रहा था, हम कितना मास ऐड करें दैट इज एम टू सो दैट इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। सो आपको क्या करना है, वॉट विल बी द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू आप जीरो सब्स्टिट्यूट जीरो पुट कर दो। सो जैसे ही ए का वैल्यू जीरो पुट करोगे देखो एम जी बाई सिक्स अपॉन जी एम बाई सिक्स, मतलब एम बाई सिक्स आप अगर फर्दर इसमें ऐड कर दोगे तो ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं, ये रेस्ट में आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जो भी वेलोसिटी होगी उसी से एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जिस टाइम पे आपने सैंड ऐड करी है, राइट। रेस्ट पे नहीं आएगा, इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। अगर कहता है कि फाइंड आउट द यू नो वैल्यू ऑफ एम टू, कितना मास ऐड करें कि ये ऊपर की तरफ पहले जी वाई सिक्स से मूव कर रहा था, राइट, तो ये एक्सेलरेशन इसका रिड्यूस हो जाए और जी बाई टेन हो जाए, मतलब अभी भी ऊपर की तरफ ही एक्सेलरेट करता रहे बट उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाए। सो इस बार ए का वैल्यू आप क्या पुट करोगे, ए का वैल्यू आप पुट करोगे माइनस जी बाई टेन। देखो ऊपर हमने जो एक्सेलरेशन लिया है वो डाउनवर्ड लिया है, बट वो कह रहा है कि इस प्रॉब्लम में कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही रखो बट उसे रिड्यूस कर दो जी बाई टेन। पहले जी बाई सिक्स था, अब हमें जी बाई टेन चाहिए, तो कितना मास ऐड करना पड़ेगा। सो आप जो एक्सेलरेशन का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करोगे वो क्या करोगे, माइनस जी बाई टेन, क्योंकि हमने जो एक्सेलरेशन कंसिडर किया है वो डाउनवर्ड में किया है और ये ऊपर की तरफ कह रहा है। सो एम टू का जो वैल्यू आएगा इसमें एम ए ए की जगह माइनस जी बाई टेन, राइट, प्लस जी बाई सिक्स है, प्लस जी बाई सिक्स डिवाइडेड बाय जी माइनस ए, सो जी माइनस एक्सेलरेशन इज माइनस जी बाई टेन, सो जी बाई टेन। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कितना आ रहा है, माइनस सिक्स यहाँ माइनस सिक्स हो गया और ये टेन हो गया, सो दैट इज़ फोर जी अपॉन सिक्सटी, राइट, और डिवाइड में कितना आ रहा है एलेवन जी अपॉन टेन, सो ये इससे सिक्स टाइम कैंसिल हो जा रहा है और ये कैलकुलेशन आप खुद से करके देख लेना, जो भी आंसर आ रहा है जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम के टर्म्स में आपको एम टू का वैल्यू मिल जाएगा, फाइन। अगर ये कहता है कि ये जो एक्सेलरेशन है ना पहले कितना था, जी बाई सिक्स से ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, कितना मास ऐड करें कि ये ऊपर मूव करे विथ जी बाई थ्री, क्या ये पॉसिबल है। देखो पहले जी बाई सिक्स से मूव कर रहा है, वो कह रहा है कि कितना मास इसमें ऐड करें कि ये जी बाई थ्री से ऊपर मूव करने लगे। सो देखो जी बाई सिक्स इज लेसर देन जी बाई थ्री, आप इसमें कुछ मास ऐड करोगे सो इसका एक्सेलरेशन या तो डिक्रीज होगा या फिर डाउनवर्ड में इंक्रीज होने लगेगा, बट ऊपर की तरफ इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है। कब है, जब आप मास को रिमूव करो इंस्टीड ऑफ एडिंग, अगर आप ऐड करोगे तो इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन बढ़ेगा नॉट अपवर्ड। सो इस इक्वेशन से आप कैसे इंटरप्रेट कर पाओगे इसे, ये जो इक्वेशन
इसमें आप जैसे हमने पहले कहा था, लेट्स ट्राई टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एज माइनस जी बाई थ्री। अगर ऊपर वाली इक्वेशन में मैं एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस जी बाई थ्री रखता हूँ, तो लेट्स ट्राई टू सी क्या आता है। एम ए प्लस जी बाई सिक्स है, एम ए की जगह माइनस जी बाई थ्री रखो, प्लस जी बाई सिक्स डिवाइडेड बाई कितना था, जी माइनस ए था, सो दैट इज ए जी माइनस ए ना, जी माइनस एक्सेलरेशन इज माइनस जी बाई थ्री, तो प्लस जी बाई थ्री हो जाएगा। एक्सेलरेशन को मैंने माइनस जी बाई थ्री रखा है। सो यहाँ से देखो आप जो वैल्यू ऑफ मास निकल के आ रहा है एम टू, जो आपको ऐड करनी है, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। इसे टू से मल्टीप्लाई करो इसे टू से, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस जी बाई सिक्स इंटू एम डिवाइडेड बाई द फोर जी बाई थ्री। सो यहाँ देखो जी से जी तो कैंसिल हो जा रहा है ना, तो ये नेगेटिव आ रहा है, आपको नेगेटिव मास ऐड करना है, इसका मतलब थोड़ा मास रिमूव करना है वहाँ से, राइट। सो जो भी ये वैल्यू आ रही है ये एक्चुअल वैल्यू है, बट ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट इंस्टीड ऑफ एडिंग यू हैव टू रिमूव दैट मास, नेगेटिव मास ऐड करना है या फिर उतना मास रिमूव करना है। फाइन, सो ये भी आपको क्लियर होगा। और कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट अगर आप इससे देख पाओ, सो ए प्लस जी बाई सिक्स अपॉन जी माइनस ए। अच्छा देखो आप, ए प्लस जी बाई सिक्स अपॉन जी माइनस ए है ना, और ये मास है, और दैट इज द एम टू। सो अगर आप डिनोमिनेटर को देखो तो ये जीरो हो जाएगा व्हेन जी बिकम्स इक्वल टू, मतलब एक्सेलरेशन बिकम्स इक्वल टू जी। मतलब अगर कोई कहे कि इसमें कितना मास ऐड करना है इस ब्लॉक में, सो दैट इट स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन जी। सो देखो आप जैसे ही ए का वैल्यू जी के से इक्वेट करोगे तो ये सडनली इनफाइनाइट हो जाएगा। सो इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है, इसका फिजिकली आप अगर फील करना चाहो, सो देखो जब इस ब्लॉक में कोई भी ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लग रहा था, तो जो भी इसका एक्सेलरेशन होगा, यू नो फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, तो क्या होगा वो, उसका एक्सेलरेशन जी होगा डाउनवर्ड। बट जैसे ही आप ऊपर की तरफ कोई भी थोड़ा सा भी अगर फोर्स लगाओगे, तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये दिस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज लेसर देन जी, ये जी के बराबर हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है कि अगर आपके पास ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स है, देन यू कैन नॉट अटेन अ एक्सेलरेशन, अ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू जी, आप हमेशा उससे कम ही अटेन कर पाओगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो दीज आर द कॉमन वेरिएशंस वी हैव डिस्कस्ड, राइट। सो आई होप सारी चीजें क्लियर है। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग, राइट, वी कैन डिस्कस इन द टेलीग्राम ग्रुप। ओके गाइज, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, बाय।